हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 6.3। और प्रश्नावली 6.3 जो है वो समरूप त्रिभुजों के बारे में दी गई है। जैसा कि जैसे हमने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तभी बताया था कि समरूप आकृतियां वो होती हैं जिनके आकार एक जैसे हों और आमाप अलग अलग होते हैं। ऐसी आकृतियों क्या कहते हैं हम, समरूप आकृतियाँ। और ये जो एक्सरसाइज है 6.3, इसमें सिर्फ समरूप त्रिभुजों का जिक्र है। वैसे समरूप आकृतियों का मैं फिर दोबारा से दिखा देता हूँ। ये जैसे आपकी बुक में फिगर दे रखी, ताजमहल की तीन फिगर बना रखी, तो इनके सब के आकार एक जैसे हैं तीनों के। आमाप यानी कि इनकी पैमाइश करें आप, मेजरमेंट करें, वो सब की अलग अलग है। तो ये तीनों आकृतियाँ आपकी क्या हैं, समरूप आकृतियाँ हैं। तो ऐसे ही ये जो 6.3 जो किसके बारे में है, समरूप त्रिभुज के बारे में। तो समरूप त्रिभुज की अगर बात करें तो क्या क्या होता है, जैसे त्रिभुज, दो त्रिभुजों को समरूप हम कब कहेंगे। तो मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है, ये ABC, ऐसे एक त्रिभुज ये ABC है, ABC, और दूसरी त्रिभुज है कि इस ढंग से है, बिल्कुल इसी के आकार की, यानी कि बिल्कुल इस जैसी है, थोड़ी बहुत अगर अलग होगी तो भी कोई बात नहीं, इसी के आकार की, मान लीजिए ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों बाद में कंडीशंस बाद में आएंगी, ये दोनों समरूप कब होंगी, जब AB और DE का अनुपात, BC और EF का अनुपात, AC और DF का अनुपात अगर ये आ जाएं आपके बराबर। कैसे, अगर आपके पास ऐसा आ जाए कि AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF, अगर संगत भुजा होगी ना, AB की संगत DE है, BC की संगत EF है, AC की संगत DF है, और अगर इन संगत भुजाओं का अनुपात आ जाए अगर आपका बराबर, तो भुजाएं आप इनको क्या देंगे, इसकी भुजाएं क्या समानुपाती हैं, पहली बात तो ये। दूसरा, फिर मान लीजिए कोण A जो है वो किसके बराबर हो आपका, D के। कोण A आपका किसके बराबर आ जाए, कोण A आपका D के बराबर हो जाए। कोण B जो है वो आपका बराबर हो जाए E के भाई, कोण B अगर आपका बराबर हो जाए किसके, कोण E के। और कोण C, तीन लाइन लगा दी मैंने ऐसे, कोण C अगर आपका बराबर हो जाए किसके, कोण F के। तब इन दोनों त्रिभुजों में क्या होगी, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और संगत कोण A के संगत D है, B के संगत E है, C के संगत F है। अगर ये संगत कोण बराबर हो जाए, भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए, तो हम ये कह देंगे त्रिभुजें क्या आपकी समरूप है। और समरूप को दिखाने के लिए कुछ सिंबल इस तरह का यूज करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, DEF। ये S जैसा सिंबल बना देंगे ऐसे, ये समरूप का सिंबल, अभी समरूप का त्रिभुज ABC, इसको क्या पढ़ेंगे, समरूप, समरूप है त्रिभुज किसके, DEF के, ठीक है। अब इस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, सारी भुजाओं का अनुपात निकालना पड़ेगा, सारे कोण निकालने पड़ेंगे, फिर पता चलेगा। लेकिन आपने जो इसके अंदर थ्योरम देखी हैं, जो एक्सरसाइज को करने से पहले, उन थ्योरम्स की अगर मैं बात करूँ, उन प्रमेय की अगर हम बात करें, तो उन प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या क्या है, देखिए आपकी जो प्रमेय थी 6.3 की, अगर मैं बात करूँ प्रमेय 6.3 की बात करूँ, उसमें क्या दे रखा है 6.3 में, अगर कोण बराबर हो ना, तीनों कोण, दो त्रिभुज ले लिए मान लिया आपने कोई भी ऐसे, एक त्रिभुज ले लिए ABC और दूसरी त्रिभुज ले लिया आपने कोई DEF, ऐसे ले लिया DEF, ऐसे मान रहा हूँ, मान लीजिए ये कोण आपका है 100 डिग्री का, ये भी आपका है 100 डिग्री का, और ये कोण है आपका मान लीजिए आप 50 डिग्री का, और ये भी आपका कितने का, 50 का है, और ये अगर 30 का है और ये भी 30 का है, तो तीनों कोण बराबर हो गए। तो अगर सिर्फ आपके कोण कोण भी बराबर हो जाए ना कहीं से, अगर दो त्रिभुजों के कोण आपस में बराबर हो जाएं, तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं आपके, समरूप हो जाते हैं, सिर्फ अगर कोण बराबर हो। तो अगर दो त्रिभुजों के तीनों कोण, कोण AD के बराबर हो, BE के बराबर हो, CF के बराबर हो, तो हम क्या लिख देंगे, त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के। आपने जो थ्योरम की होंगी ना, जो प्रमेय के उनमें दे रखे हैं, और उसको कसौटी को क्या कहते हैं, AAA, एंगल 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 सिमिलरिटी, समरूपता, तीन एंगल बराबर है त्रिभुज समरूप होंगे भी।
आपको भुजाओं का अनुपात निकालने की चेक करके देखने की जरूरत नहीं है 6.3 की अकॉर्डिंग अगर बात करें तो। बल्कि एक बात और भी है, मान लीजिए आपके दो कोण बराबर हैं, ये 100 का है, ये 100 का, ये 30 का, ये 30 का, तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर आपके दो कोण बराबर हो गए ना, तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा। यानी आप उस केस में भी आपके त्रिभुज समरूप होंगे अगर दो त्रिभुजों के दो ही कोण बराबर हो जाए तो, बस क्योंकि तीसरा हो जाए तो, और जब दो कोण बराबर हो जाए तब उसको क्या कहेंगे आप? ए समरूपता कह देंगे, ए समरूपता कह देंगे। ठीक है, ये आपकी थ्योरम 6.3 का रिजल्ट ये है कि तीनों कोण बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप, अगर दो कोण बराबर होगी तो भी त्रिभुज आपके क्या होते हैं? समरूप है। उसके बाद आपकी जो थ्योरम 6.4 जो है उसमें क्या दे रखा है, अगर आपकी भुजाओं का अनुपात बराबर है, क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज तो ये है आपकी ए बी सी, और एक त्रिभुज मान लीजिए आपकी ये है दूसरी, मान लीजिए आपकी ये एक है, ये दो है, ये दो है, ये चार है, ये तीन है, और मान लीजिए छः है। एक बटा दो इसका अनुपात लेंगे, दो बटा चार ये भी क्या हो जाएगा? एक बटा दो इसका अनुपात लेंगे, तीन बटा छः ये भी क्या हो जाएगा? एक बटा दो। तो यहाँ भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया तो भी त्रिभुज आपकी क्या हो जाएंगी? समरूप हो जाएंगी भी। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर हो, यानी कि इस केस में त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके? डी ई एफ के। और रीजन क्या लिखोगे ऐसे केस में? SSS समरूपता, साइड साइड साइड, यानी कि भुजा 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 समरूपता, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। दूसरी है जो ये बताई थी, एक और जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या, देखिए 6.5 जो आपकी थ्योरम है, 6.5 थ्योरम, उसमें कौन सा रिजल्ट है? मान लीजिए आपके पास दो ये त्रिभुज हैं, एक ये है, दूसरी त्रिभुज ये है, मान लीजिए इसका ये एंगल मान लीजिए आपका 80 डिग्री का, ये 80 डिग्री का, इस त्रिभुज का नाम ए बी सी और इसका नाम है मान लीजिए आपका डी ई एफ। ठीक भाई, मान लीजिए ये दो है, ये चार है, और ये आपकी तीन है, और ये कितनी है? छः है। तो यहाँ देखिए दो बटा चार, एक बटा दो काटने के बाद, तीन बटा छः, ये दो बटा चार करो काटने के बाद क्या हो जाएगा? एक बटा दो। तीन बटा छः को काटोगे ये भी क्या हो जाएगा? एक बटा दो। उनके बीच का एंगल दोनों का क्या है? बराबर है। यानी कि दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उनके अंतर्गत बना हुआ कोण, यानी कि उनके अंदर जो बना हुआ कोण वो अगर बराबर हो तो भी त्रिभुज आपके क्या होंगे? समरूप होंगे। और ऐसी कंडीशन में क्या लिखेंगे इसको? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, और समरूपता कौन सी होगी? एस ए एस, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा समरूपता, भुजा कोण भुजा समरूपता। तो इन रिजल्ट्स का यूज करके जो है ना हम इस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन 6.3 का, बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं? इसमें एक से लेकर छह तक युग्म दे रखे हैं, बना रखे मैंने बारी बारी से, आगे समरूप हैं, उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका आपने उत्तर देने में प्रयोग किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, सांकेतिक रूप में बताना भी है उनको। पहले पहले पार्ट की बात करते, देखिए इस पहले पार्ट की बात करें, देखिए एंगल ए ये वाला कोण ए बराबर किसके? कोण पी के, क्योंकि दोनों कितने के हैं? 60 के हैं। कोण बी बराबर किसके है? कोण क्यू के। कोण बी बराबर किसके है? कोण क्यू के, कितने का है? 80 डिग्री का है। और कोण सी बराबर किसके है? कोण आर के, ये रहा आर, कितने का है? 40 डिग्री का। तीनों कोण बराबर हो गए, तीनों कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या हो गया आपके? समरूप हो जाएंगे। क्या? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके? पी क्यू आर। और समरूपता की कौन सी कसौटी आपने यूज की है? तीनों कोण बराबर के तो कौन सी हो जाएगी? ए ए ए समरूपता, कोण 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 समरूपता, इस कसौटी का हमने यूज किया। बस इसका इतना आंसर है, फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकंड की बात करें, सेकंड को पहले देखिए भुजाएं दे रखी इसकी, यहाँ कोण नहीं दे रखे, दो दूनी चार, तीन दूनी छः और ढाई दूनी पाँच, यानी अनुपात तो बराबर है लेकिन भुजाएं उल्टी सुलटी हो रखी हैं। तो पहले इन भुजाओं को जचा लीजिए आप, ये तो मान लिया ऐसी कैसी है, थोड़ा इसको ठीक कर लेते हैं। इसको अगर दो यहाँ आना तो इसकी चार यहाँ पे आनी चाहिए। मैं इसको ऐसे बना, दोबारा बना देता हूँ इसको मैं यहाँ से,
ऐसे बना दिए, यहाँ कितनी ले ली मैंने, चार ले ली, और चार यहाँ ले ली, और नीचे यहाँ कितनी 2.5, तो यहाँ नीचे कितने वाली आनी चाहिए, पाँच वाली आनी चाहिए, या नीचे आनी चाहिए अपने कौन से वाली, पाँच वाली आनी चाहिए, पाँच वाली दिखा दी, यहाँ चार या पाँच, वहाँ तीन है तो वहाँ कौन सी आनी चाहिए फिर, वहाँ छः वाली आनी चाहिए, यहाँ क्या आनी चाहिए आपकी, छः वाली होनी चाहिए। अब नाम देखिए कैसे पता चलेगा कि यहाँ इसके नाम क्या हों, जहाँ चार और पाँच दोनों मिलती हैं, चार और पाँच दोनों मिलती हैं, उसका नाम क्या है, आर, यानी कि ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। जहाँ पे पाँच और छः दोनों मिलती हैं, पाँच और छः दोनों, दोनों कहाँ मिल रही हैं, पी पर, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। बाकी बचाव अपने आप क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब इनका अनुपात देखिए, देख ए बी बटा क्यू आर, अब अनुपात देखिए इनका, मैंने इस फिगर को कुछ इस ढंग से बना दिया है, अब आराम से हो जाएगा। देखिए ए बी बटा क्यू आर, यहाँ लिख रहा हूँ इसको, देखिए ए बी बटा क्यू आर बराबर 2/4 बराबर 1/2, ठीक है। बी सी बटा आर पी, बी सी बटा आर पी, बी सी बटा आर पी, बी सी कितनी है आपकी 2.5, आर पी कितनी है 5, 2.5, ये भी 1/2 हो जाएगा। फिर ए सी बटा क्यू पी, ए सी बटा क्यू पी, ये कितनी है 3, और ये कितनी है 6, 3/6, ये भी क्या हो जाएगी आपकी 1/2 हो जाएगी। ये नीचे वाला भी, नीचे फिगर अलग ही है, ये नीचे वाला है, तो यहाँ तक देखिए ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, तीनों का अनुपात बराबर आ गया ना, क्या आया ए बी बटा क्यू आर बराबर बी सी बटा आर पी बराबर ए सी बटा क्यू पी, ए सी बटा क्यू पी बराबर किसके, 1/2 के, ठीक है। त्रिभुज समरूप होगी। अब कहा क्या था, इसको कैसे लिखना, सांकेतिक रूप में, वर्ड क्या यूज किया था, सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए भी। अब सांकेतिक में देख क्या होगा, वैसे तो अगर कोई भी देखेगा तो त्रिभुज ए बी सी कहेगा, इसको त्रिभुज पी क्यू आर कहेगा, लेकिन अब देखिए सांकेतिक में कैसे बनेगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज, इसका नाम क्या, देख अब क्योंकि संगत भुजा तो यहाँ बनी है इस फिगर के अंदर आकर के, तो यहाँ इसका नाम क्या बनेगा, जिसका ए बी सी, तो इसका क्या बनेगा, क्यू आर पी, क्यू आर पी, ठीक है। और हुआ क्या, यहाँ पे तीनों भुजाओं का अनुपात लिया है, तो कसौटी क्या बनेगी, एस 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 समरूपता, भुजा 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 समरूपता। ये आपका हुआ सेकंड क्वेश्चन, यहाँ से सेकंड, ये तो थर्ड के लिए दे रखी फिगर, ये थर्ड पार्ट के लिए। अब थर्ड को बताना क्या है इसके अंदर, देखिए अगर थर्ड की बात देखें, इसको देख के पता चल जाएगा, यहाँ पे आपका 2/4, 3/6 और 27/54, यानी अगर यहाँ 5.4 होता ना तो ये समानुपात में हो जाते, तो इनका दो का अनुपात बराबर आ गया है, 2/4, 3/6, लेकिन तीसरी का अनुपात आपको निकाल के नहीं देखना, वैसे ऐसे छोड़ देना चाहिए, और निकाल निकाल के देख भी लो चाहिए ना, अब आप इसको सांकेतिक में बताना क्यों अनुपात तो निकल नहीं रहा, वैसे बता दो चाहे वैसे किसको, क्या जैसे आपने ऐसे कर दिया एम पी, एम पी, एम पी बटा क्या कर दिया डी ई, एम पी कितना 2, DE कितना 4, कितना बना आपका 1/2, एम पी बटा डी। फिर एल पी बटा डी एफ, इसको ले ले, एल पी बटा डी एफ कितना 3/6, ये भी कितना हो जाएगा 1/2, लेकिन ये जो बच गया ना कौन सा, एल एम बटा ई एफ, यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ क्या 2.75, इसको आप करना भी चाहो तो क्या कर सकते हो, 27/10 × 5, 27/50, तो अनुपात तो बराबर नहीं आए ना, इसलिए त्रिभुज क्या आपके समरूप नहीं है। तो तीसरे में क्या लिख देंगे, त्रिभुज समरूप नहीं है, इसका आंसर क्या लिख देंगे, त्रिभुज त्रिभुज समरूप नहीं है क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है, क्योंकि संगत भुजाएं, क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है, समानुपाती नहीं है, ये हुआ इसका तीसरा पार्ट। अब करते हैं इसका चौथा पार्ट, चौथे को देखिए भी, चौथे को फिर देखिए आप, यहाँ पे चौथे की अगर हम बात करते हैं तो चौथे में क्या देखिए, 2/5 और 5/10,
और बीच का एंगल 70 बराबर है। बस क्या कर रखा, त्रिभुजों को थोड़ा सा घुमा रखा है, तो इस त्रिभुज को इस जैसा बना लेते हैं, यानी इसी की फॉर्म में आकार एक जैसा बना लेते हैं। आकार एक जैसा बनाएंगे, देखिए यहाँ क्या आना चाहिए, फिर ऐसे करते हैं इसको थोड़ी बड़ी कर लेते हैं क्योंकि वो बड़ी है, और एक ये ले लिया ऐसे, उसी जैसी बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ ढाई है तो यहाँ इसका क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। यहाँ 5 है तो यहाँ कितना आना चाहिए, 10। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना, 70 डिग्री का। तो देखिए जहाँ 5 और 10 दोनों भुजाएं मिल रही है ना, एंगल 70 डिग्री, वो पॉइंट का आपका क्या है, क्यू है। ठीक भाई, 5 वाली का नाम क्या है, पी क्यू। तो क्यू यहाँ होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी, और ये अपने आप क्या बच जाएगा, आपका आर बच जाएगा। यानी मैंने इस फिगर को इस ढंग से चेंज कर दिया है आकार एक जैसा दिखाने के लिए। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए आप एम एन बटा क्यू पी, ढाई बटा 5 काटोगे कितना हो जाएगा, ढाई दूनी 5, 1/2 हो जाएगा। एम एल बटा क्यू आर, एम एल बटा क्यू आर, ये 5 है और ये 10 है, 5/10 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और कोण एम बराबर किसके, कोण क्यू के, कोण एम बराबर किसके, कोण क्यू के, कितना, 70 डिग्री। इसलिए त्रिभुज एम एन एल सांकेतिक रूप में एम एन एल समरूप त्रिभुज किसके, क्यू पी आर, क्यू पी और आर। रीजन क्या देंगे, साइड एंगल साइड के दो भुज हैं उनके बीच का कोण, तो रीजन क्या हो जाएगा, कसौटी क्या हो जाएगी, एस ए एस समरूपता, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा समरूपता हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद जो है आपका पांचवा पार्ट इसका, ये आपका चौथा और पांचवा जो है इसके अंदर, देखिए एक भुजाएं दे नहीं रखी क्या, ये ढाई दे दी, ये 6 दे दी, एक मिनट, 2.5 है और नीचे वाले 3 है, भी 3 दे रखी। अब यहाँ देखिएगा ना, कोई पहली बार में आपको ये लगे, देखिए ढाई दूनी 5, 3 दूनी 6 और एंगल भी क्या है, 80 डिग्री का है, लेकिन अब भी समरूप नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ एंगल क्या है, एंगल किन के बीच में है, 5 और 6 के बीच में है, और वहाँ एंगल ए पर वहाँ बना रखा, अगर ये एंगल 80 का यहाँ होता ना यहाँ, फिर तो क्या हो जाती है, समरूप हो जाती है, एंगल वहाँ दे रखा है भी, इसलिए त्रिभुज आपकी क्या है, समरूप नहीं है। तो बस ये समरूप कब होती, यहाँ एंगल किसके है, 5 और 6 के बीच में, और इनका अनुपात ढाई और 3 इनके साथ बनता, तो अगर ये एंगल 80 वाला यहाँ तो होता ना, फिर तो समरूप हो जाती है, एंगल दे रखे अलग से वहाँ, तो क्या लिख देंगे, त्रिभुजें त्रिभुज समरूप नहीं है, त्रिभुज समरूप नहीं है, क्योंकि इनका अनुपात तो बराबर है, क्योंकि समानुपाती जो भुजाएं हैं, दो ही है हालांकि, दो एक युग्म ये है और दूसरा युग्म ये है, समानुपाती भुजाओं के आंतरिक कोण, उनके अंतर्गत जो कोण बना हुआ है, या अंतर्गत कोण कह दीजिए, कि अंतर्गत कोण की जानकारी पूरी नहीं है, कि जानकारी पूरी नहीं है, क्यों, कि हमें क्या पता है कितने का हो सकता है, 80 का भी हो ये, लेकिन यहाँ दे रखा तो हमें पता ही नहीं, इसलिए त्रिभुज आपके समरूप नहीं है। ये आपका होगा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, भी नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसका एक पार्ट और बचा है, अगले पेज पे था ये। तो यहाँ देखिए 70 80 80 30, एक बार तो देखिए लगता है कि तीसरा कोण तो नहीं पता, पता कर लो पहले, अगर त्रिभुज डी ई एफ है, देखिए त्रिभुज डी ई एफ में कोण एफ किसके बराबर आएगा भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है, तो हम क्या कर दें, 180 में से घटा दें किसको, 70 और 80 को जोड़ के, तो 180 में से अगर घटा दें 70 और 80 का जो है 150, यानी कि ये कोण आपका कितने का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। ऐसे ही इस त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी जो है
कैसे आएगा? 180 में से किसको घटा दें? 80 और 30 को जोड़ के घटा दो, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। 180, 80 और 30 कितना होगा? 110। कितना बच गया? 70। यानी कोण पी आपका कितने होगा? 70 डिग्री का। तो यहाँ डी पी के बराबर, ई क्यू के बराबर और एफ आर के बराबर, तो तीनों कोण बराबर हो गए भी। तो अब लिख दो क्या कोण डी बराबर किसके? कोण पी के बराबर 70 डिग्री। कोण ई वो बराबर है किसके? कोण क्यू के 80 डिग्री के। और कोण एफ वो किसके बराबर है? कोण आर के कितना? 30 डिग्री के। इसलिए त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, और कसौटी कोण से तीनों कोण बराबर है, तो कौन सी हो जाएगी? ए ए ए समरूपता, ये कसौटी हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज का, आकृति में एक आकृति दे रखी है, त्रिभुज ओ डी सी, ओ डी सी समरूप है किसके? ओ बी ए इसके समरूप है। कोण बी ओ सी 125 डिग्री का दे रखा है, सी डी ओ ये 70 डिग्री का दे रखा है, ये बताने हैं आपको। तो पहले तो क्या दिया है लिख दीजिए, पहले लिख देते हैं दिया है क्या क्या दे रखा है। पहली बात तो त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज किसके? ओ बी ए के। और कोण बी ओ सी कितने का? 125 डिग्री का। कोण सी डी ओ कितने का? 70 डिग्री का। और ज्ञात करना क्या क्या है, क्या क्या ज्ञात करना आपको? कोण डी ओ सी और कोण डी सी ओ और कोण ओ ए बी, ये तीन कोण हमने बताने हैं। देखिए पहले बात करते डी ओ सी, डी ओ सी कौन सा? ये वाला है ये, तो और ये कौन सा 125 वाले का नाम क्या? कौन बी ओ सी। हल इसका, कौन बी ओ सी प्लस कौन डी ओ सी, देख बी ओ सी ये और ये डी ओ सी, प्लस बी ओ सी प्लस डी ओ सी 180 डिग्री। क्यों? रैखिक युग्म, सरल रेखा है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, सरल रेखा कितना हो जाएगा? रैखिक युग्म हो जाएगा, रैखिक युग्म। अब बी ओ सी कितने का दे रखा है? 125 का। और निकालना है कौन सा आपको? डी ओ सी बराबर कितना? 180। तो यहाँ से कौन डी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 125 यानी कितना हो जाएगा आपका? 55 डिग्री। तो एक कोण का तुम्हें पता चल गया अभी, कितने का आपका ये डी ओ सी कितने का आपका? 55 डिग्री का है। ठीक जी, अब आगे देखिए, अब इस त्रिभुज की अगर मैं बात करूँ, इस कोण का पता चल गया मैंने अपने को, अभी मैं लिख रहा हूँ, ये लिख दिया मैंने, जैसे ये कितने का लिख दिया? 55 डिग्री का लिख दिया। अब इस त्रिभुज की अगर बात करें हम, जो है त्रिभुज डी ओ सी, डी ओ सी इसके तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। तो तीसरा कोण कैसे आएगा? इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दीजिए, तीसरा कोण अपने आप आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको देखिए, त्रिभुज डी ओ सी में, त्रिभुज त्रिभुज डी ओ सी में कौन कौन से कोण आपके? कोण डी सी ओ, कोण डी सी ओ प्लस कोण सी डी ओ, सी डी ओ और प्लस कोण डी ओ सी, ये तीनों आ जाएंगे। कौन सा? डी सी ओ ये हो जाएगा, फिर आपका सी डी ओ ये हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा डी ओ सी। इन तीनों का जोड़ किसके बराबर? 180 के। रीजन लिखे तो क्या? त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब आपको किस किस कोण का पता है? आपको जो है डी सी ओ का नहीं पता, ये तो हमें निकालना है, डी सी ओ तो हमने निकालना है। सी डी ओ, सी डी ओ कितने का दे रखा था? शुरू में दे रखा ही दे रखा, कितना? 70 का दे रखा है, 70 डिग्री का। डी ओ सी निकाला कितने का निकाला है? 55 का। बराबर किसके? 180 के। क्या बन जाएगा यहाँ से? डी सी ओ प्लस 70 को जोड़ेंगे, 7 5 12 125 बराबर कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। और कौन डी सी ओ बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 125 कितना हो जाएगा?
55 डिग्री का, घटाओगे तो कितना जाएगा 55 डिग्री का। ये हमने किसका पता कर लिया अभी, DCO का कर लिया, कितने डिग्री का आ गया आपका ये 55 डिग्री का, वो भी 55 डिग्री का, और ये भी कितने का आपका DCO भी 55 का। अब क्योंकि त्रिभुज समरूप दे रखी है, यहाँ दे रखी कितना ही आपके त्रिभुज क्या दे रखी है, त्रिभुज समरूप दे रखी है, तो अगर त्रिभुज समरूप दे रखे तो संगत भुजा है समानुपाती है, संगत कोण समान होंगे क्या, क्योंकि क्योंकि त्रिभुज ODC, त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज किसके, OBA, OBA क्यों दिया है, दे रखा है ये तो दिया है, तो ये बराबर दे, आपके दे रखे हैं समरूप दे रखे हैं, तो इसमें बताना कौन सा कौन आपको OAB, OAB ये वाला A, और अगर इनको आपस में मिलाए ना जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था सांकेतिक रूप, तो A किसके बराबर आना चाहिए, C के बराबर आना चाहिए, यानी ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, यानी आपका कौन सा कौन, कौन OAB जो है, कौन OAB किसके बराबर होना चाहिए भी, कौन जो निकालना आपको OAB ये वाला किसके बराबर होना चाहिए आपका कौन, इसके बराबर होना चाहिए, इस कौन के बराबर, और इस कौन का नाम क्या आपका OCD, और OCD आपने कितने का निकाल रखा है 55 का निकाल रखा है, रीजन यहाँ पे क्या लिखा करते हैं हम इसको CPST, CPST शॉर्ट में लिख रहा हूँ बार बार आप लिखोगे याद, CPST कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लिख देता हूँ, इसको अगर ऐसे इंग्लिश में लिखोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, जल्दी से हो जाएंगे आपको, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये लिखने की जरूरत है आपको बता रहा हूँ उसको, मतलब क्या हिंदी में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स यानी कि संगत भाग, सिमिलर ट्रायंगल समरूप त्रिभुज, तो खाली CPST लिख देना अपने आप अंडरस्टूड, इसका मतलब यही है कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर यानी कि समरूप, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, संगत कोण क्या होंगे, समान होंगे, और संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है अगर त्रिभुज आपके समरूप हैं तो। तो इस ढंग से आपका ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर है डी सी, फिगर इसमें दे रखी है आपको बनानी पड़ेगी ऐसे, ए बी और डी सी क्या आपकी समांतर दे रखी है, ये मैं समलंब बना रहा हूं पहले, ये आपकी ए बी सी और डी, तो दिया है मैं क्या लिख दूंगी पहले तो साथ साथ लिख रहा हूं क्या, समलंब ए बी सी डी में क्या दे रखा है, ए बी समांतर किसके है डी सी के, ठीक है भी? के विकर्ण ए सी और बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करती है, विकर्ण मिला दो भी कहां पर काटते हैं, ए सी और बी डी के विकर्ण, ए सी और बी डी के विकर्ण कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, समलंब एबीसीडी में ए बी समांतर डी सी और विकर्ण ए सी तथा बी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ काट रहे हैं, ठीक है, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ये बात, सिद्ध करना है जो दर्शाना आपको, यानी कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी, ये बात आपको सिद्ध करनी है, ये वाली बात आपको सिद्ध करनी है, ये बताना है, ठीक। चलिए देखिए इसका हल कैसे करेंगे, इसको हल, त्रिभुज DOC और BOA, DOC और BOA, त्रिभुज DOC तथा त्रिभुज BOA में, DOC और BOA में
देखिए DOC DOC DOA, पहली बात तो ये इसका कोण एक और इसका कोण दो बराबर है, क्या DOC या तो DOC का एंगल आना चाहिए, कोण एक बराबर किसके कोण दो के। रीजन क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं आपके समान होते हैं, ठीक भाई, कोण एक बराबर कोण दो। फिर ये कोण देखिए, कोण तीन बराबर कोण चार के होगा क्या, देखिए दोनों भुजाएं क्या हैं समांतर हैं और ये आपकी क्या तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा की ये दोनों और क्या आपके एकांतर कोण हैं, तीन और जो आपके चार हैं क्या आपके एकांतर कोण है, तो क्या लिख दीजिए कोण तीन बराबर किसके कोण चार के। रीजन क्या दोगे आप, एकांतर कोण, हालांकि दो कोण होते त्रिभुज क्या हो जाते हैं आपके, दो कोण बराबर होते त्रिभुज क्या हो जाती हैं समरूप हो जाती हैं। अगर आप चाहो तो तीसरा भी कर दीजिए, वो कौन सा, इसका कोण पाँच और इसका कोण छः, ये भी क्या आपके एकांतर कोण है, कोण पाँच बराबर किसके कोण छः के, ये भी आपके क्या हैं एकांतर कोण है। हालांकि मैं बोल रहा हूँ कि दो पीछे हमने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि दो कोण बराबर होते त्रिभुजें आपकी समरूप हो जाती हैं, तो इसलिए इसलिए त्रिभुज ये DOC त्रिभुज DOC समरूप किसके हो जाएगी, त्रिभुज BOA के समरूप हो जाएगी, तीनों कोण बराबर हैं तो कसौटी कोण सी हो जाएगी AAA समरूपता, और अगर समरूप होगी तो संगत भुजाएं क्या होंगी इसकी, फिर समानुपाती होंगी, समरूप होगी तो संगत भुजाएं क्या होगी समानुपाती होंगी, और संगत भुजाएं समानुपाती होंगी का मतलब क्या हुआ अभी, इसका मतलब क्या हुआ, संगत भुजाएं समानुपाती का मतलब क्या, देखिए इसकी DO ले लो और इसकी क्या ले ले BO ले ले, इसकी DO और इसकी BO क्या DO चाहे OD का दिवस है, OD बटा OB, OD बटा OB बराबर OC बटा OA, OC बटा OA, और यही हमने प्रूव करना, देखिए इसकी OD इसके संगत इसकी क्या है OB, इसकी OC उसकी क्या है OA, और रीजन यहाँ क्या लिख दोगे CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल का हमने यूज़ किया इसके अंदर, समरूप त्रिभुजों का हमने यूज़ किया, और ये इतना ही बस इसका आंसर, ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पे। चौथा क्वेश्चन देखिए, आकृति दे रखी है, ये नहीं भी ये बना दी दोबारा मैंने, इसको बना रखा है, क्या दे रखा है QR बटा QS बराबर QT बटा PR कोण एक बराबर कोण दो के है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज किसके TQR के, तो पहले तो दिया है, क्या दे रखा है QR बटा QS बराबर किसके QT बटा किसके भाई PR के, एक बात। दूसरी क्या दे रखी है, कोण एक बराबर कोण दो, ये रहे ये कोण एक आपका एक और दो, ये एक और ये आपका दो, कोण एक बराबर कोण दो, ठीक है। सिद्ध करना क्या है, सिद्ध हमने करना है त्रिभुज PQS, ये त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज किसके PQR, ये बात आपने क्या करनी है सिद्ध करनी है, इसको सिद्ध करना है, कैसे करेंगे, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में हल, देख लो कौन सी त्रिभुज PQR, ये इसमें क्या है भाई, कोण एक बराबर कोण दो दिया है, दिया है दे रखा है, तो अगर PQR की बात करें तो एक के सामने कौन सी भुजा है PR, एक के सामने भुजा कौन सी आपकी PR, और दो के सामने इसको भूल जाओ त्रिभुज PQR ले रखे तो ये नहीं है, दे दो के सामने क्या आपकी PQ, तो इसको क्या लिख दूंगा PQ बराबर PR, नाइन्थ विधि थ्योरम आपकी है, त्रिभुज के समान कोणों की समूह भुजाएं समान होती हैं, तो क्या त्रिभुज के, रीजन लिख देता हूँ, त्रिभुज के समान
कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होते, लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है इसके अंदर, सम्मुख भुजाएं पी क्यू बराबर किसके, पी आर के, ठीक है। अब आगे देखिए, क्यू आर बटा क्यू एस, ये रहा क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर, कहां से दिया है, ये तो दे रखा है, क्यू आर बटा क्यू एस क्यू टी बटा पी आर क्या है, दिया हुआ है, ठीक। क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर, पी आर की जगह पी क्यू लिख दूं, क्योंकि इस पी आर की जगह लिख दूं पी क्यू लिख दूं, पी क्यू कहो या क्यू पी कहो तो एक अलग बात है, रीजन क्या लिख दोगे, क्योंकि पी क्यू बराबर किसके है भाई, पी आर के हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि ऊपर वाली फिगर दिख नहीं रही, ऊपर वाली फिगर नहीं दिख रही, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, यहाँ में नहीं दिख रही, चलो आपके पास सामने बुक में देख लेना। अगर इन त्रिभुजों की अगर बात करूँ मैं, किस किस में त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में, टी क्यू आर में पी क्यू एस, ये रही पी क्यू एस और टी क्यू आर पूरी बड़ी, पी क्यू एस ये हो जाएगी, एक लाइन ड्रा कर देता हूँ ये ऐसे, ये आपकी है जानबूझ के डबल दिख जाएंगे ताकि पता चल जाएगा, ये तो आपकी क्या है पी क्यू एस ये वाली, और वो जो बच गई वो उधर, वो रही वो यहाँ आगे तक चली गई है, ये आपकी क्या है टी क्यू आर, ये पूरी। इन दो त्रिभुजों की बात करते हैं, इन दोनों की बात करें तो ये तो मैंने प्रूव किया, अभी अभी क्या किया है क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी क्यू, अभी अभी किया है मैंने इसको, हम इसको क्या लिख दे प्रमाणित कह सकते हैं, इसको प्रमाणित यानी कि अभी अभी मैंने इसको सिद्ध किया है इसको तो। अच्छा देखिए यहाँ देख लिया, अब क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू आर बटा क्यू एस और क्यू टी बटा क्यू पी, यानी एक भुजा बड़े वाले की फिर छोटे वाले की फिर बड़े वाले की फिर छोटे वाले की, और ये इन दोनों के बीच का क्या गया सांझा कोण हो गया, कोण एक बराबर किसके, कोण एक के, ये क्या हो गया सांझा कॉमन, तो क्या हो गया दो भुजाओं का अनुपात और उनके अंतर्गत कोण क्या होगा बराबर हो गया, इसलिए इसलिए त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज किसके टी क्यू आर, और यही हमने प्रूव करना था। रीजन क्या हो जाएगा दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण, तो क्या लिखेंगे इसको एस ए एस समरूपता। इस ढंग से आपका ये हो गया अभी चौथा क्वेश्चन एक्सरसाइज का चौथा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रम से बिंदु एस और टी है, पहले त्रिभुज पी क्यू आर ही बना लेता हूं मैं, कैसे बना दीजिए आपकी मर्जी, पी क्यू आर, पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर, पी आर पर की है एस, पी आर पर बिंदु ये होगा आपका क्या है एस, एस और क्यू आर पर की है टी, क्यू आर पे क्या होगा आपका टी होगा यहाँ पर टी, इस प्रकार स्थित है कि कोण पी, ये वाला कोण किसके बराबर है आर टी एस, आर टी एस यानी इसके बराबर है, ये कोण किसके बराबर है इसके बराबर है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस, आसान सा है दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर तथा क्यू आर पर क्रम से बिंदु एस और टी इस प्रकार हैं कि, किस प्रकार हैं कि कोण पी बराबर किसके है कोण आर टी एस के, इस प्रकार हैं कि कोण पी बराबर किसके आर टी एस के,
ठीक है। सिद्ध करना क्या है आपको, बिल्कुल आसान सा है। सिद्ध करना क्या है, त्रिभुज आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज किसके, आर टी एस के। ये सिद्ध करना, आर पी क्यू किसके समरूप है, आर टी एस के। देखिए त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में हल त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस, आर पी क्यू तो बड़े वाली होगी और आर टी एस कौन सी होगी, आर टी एस छोटी वाली होगी। तो आर पी क्यू, पहली बात तो यही कि कौन P बराबर किसके, आर टी एस के, कौन P बराबर किसके, आर टी एस के। क्यों दिया है, दे रखा है तो दिया है। दूसरा कौन R बराबर कौन R, ये कौन R इस आर टी एस का भी है, बड़े वाले का भी है। दूसरा क्या लिख देंगे, बस इतना ही करना था, हो गया खत्म। कौन R बराबर कौन R, ये क्या हो जाएगा आपका, समझा, क्योंकि दो कोण बराबर होते त्रिभुज तो समरूप हो जाती है ना, इसलिए त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज किसके, आर टी एस के। रीजन क्या हो जाएगा, ए ए, तीसरा तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा, ए ए समरूपता। इतना ही है, इसलिए नोट कर सकते आप इसको यहाँ से चाहो तो। पांचवा, छठा क्वेश्चन देखिए, आकृति में त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई ये है भी, ए बी ई ये वाली सर्वांगसम है, समरूप नहीं भी, सर्वांगसम है किसके, ए सी डी, ये इस साइड में, इस साइड में, तो दर्शाइए कि ऐसे है। तो पहले तो दिया है क्या, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है, सर्वांगसम हमने नाइन्थ में पढ़ा था भी, सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, ए सी डी के। ज्ञात करना या सिद्ध करना, सिद्ध करना, सिद्ध करना क्या है, त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज किसके, ए बी सी के। ये आपने क्या करना है, सिद्ध करना, और ये दे रखा है। अब देखिए क्योंकि त्रिभुज आपकी समरूप दे रखी, कौन कौन सी त्रिभुज, ए बी ई, थोड़ा सा आपको रफ आइडिया खींच लो, ये आपकी एरिया दिख रही है, ये कौन सी त्रिभुज ए बी ई दिख रही होगी ना, ये अलग से बन गया आपकी, ये आपकी कौन सी त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई। और दूसरी जो त्रिभुज वो आपकी क्या है, ए सी डी, ए सी डी ये वाली है, ये वाली, ये आपकी क्या है, ए सी डी। दो हो गए अलग अलग। अब क्योंकि समरूप दे रखे तो समरूप त्रिभुज होंगे तो भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं, बराबर भुजा होती है समरूप में, तो हल में क्या करेंगे, इसके हल में, हल में क्या करेंगे, देखिए इसकी ए बी और इसकी ए सी बराबर होगी, ए डी ई, कौन सी आपकी, ए बी ई, ए बी ई की ए बी और ए सी डी की ए सी, क्या आपकी ए बी बराबर किसकी, ए सी के। रीजन क्या लिखोगे, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भाग, संगत भुजाएं, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होते हैं, इसलिए बराबर होगी, एक बात तो ये। दूसरी फिर क्या है, ए डी और ए, ए डी, ए डी किसके बराबर, ए ई के बराबर, ए डी बराबर किसके, ए ई के। और इसका भी रीजन क्या रहेगा, यही लिख दोगे दोबारा से, सर्वांगसम त्रिभुजों की, लिख ना कभी डैश मार दो ऐसे ही, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती, समान होती है, ठीक भाई। अब आ जाओ आप त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी, जिसको हमने सिद्ध करना है, इसको भुजाएं तो बराबर हो ही गई, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में, अब ये बराबर हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तुम इसको ऐसे कर दो, ए डी बटा ए बी, बराबर को बराबर से भाग कर रहे हैं, ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी, कर सकते हैं ऐसे, कर सकते हैं, बराबर हैं तो बराबर होंगे, तो बराबर ए सी। और कोण ए बराबर कोण ए,
ए डी, ये ए डी बटा ए बी, ए ई बटा ए सी। ए डी और ए ई तो ए डी ई के भाग हैं, ए बी और ए सी किसके, पूरे बड़े वाली ए बी सी के भाग हैं। तो और साथ में क्या लिख दिया, कोण ए बराबर कोण ए, ये आपका क्या हो गया सांझा, ये आपका क्या है सांझा। और इसको अगर लिखना चाहो, मान लीजिए आप इसको समीकरण एक कह दो, इसको आप समीकरण दो कह दो, और यहाँ रीजन क्या लिख दो इसके सामने, समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से इनको भाग किया, एक और दो को भाग करके। अब ये दो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, बीच का कोण बराबर होगा, तो त्रिभुजें क्या होगी, समरूप होगी। इसलिए त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज किसके, ए बी सी के। रीजन क्या, एस ए एस दो भुजाएं, उनके बीच का कोण एस ए एस समरूपता। ये आपका छठा क्वेश्चन कंप्लीट है। सातवां क्वेश्चन, आकृति में त्रिभुज एबीसी के सिरे समलंब एडी और सी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। एडी और सीई लंब है, यानी कि कोण ये और ये 90 डिग्री के हैं, कहाँ काट रहे हैं पी पे, दिया है त्रिभुज एबीसी के सिरे समलंब एडी व CE परस्पर P पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना, इसमें आप चारों पॉइंट दोबारा से फिर लिख देना, अभी सिद्ध करना, ये एक से लेकर चार तक सारे पॉइंट यहाँ पर लिख देना, लिखने चाहिए वैसे आपको सारे, ये पॉइंट दोबारा से लिख देना सारे, ये चारों के चारों पॉइंट यहाँ लिख देंगे, ठीक है, चारों पॉइंट यहाँ दोबारा लिख देना है, ये सिद्ध करना है, ये करना है, ये करना और ये करना है। मैं सीधा शुरू कर रहा हूँ, इसको हल शुरू कर रहा हूँ इसका। पहला किसको, त्रिभुज ए ई पी, एक लाइन लगा लेता हूँ, थोड़ा बड़ा है क्या पता ना आए, कुछ ही साइड में कर दूंगा, कुछ ही साइड में कर दूंगा। त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में, त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी में, ए ई पी ये है ए ई पी और ये आपका सी डी पी। देखिए पहले यहीं देख लीजिए, सीधा पता ही चल जाए आपको, ये कोण एक बराबर कोण दो, और यहाँ क्या है कोण तीन बराबर किसके, कोण चार के, क्यों 90 डिग्री के, बस इतना ही करना है। त्रिभुज ए ई पी का कोण एक और सी डी पी का कोण दो, रीजन क्या, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अच्छा ए ई पी का कोण तीन और उसका चार, कोण तीन बराबर कोण चार, दोनों कितने के हैं 90 डिग्री के हैं, और दो कोण बराबर होते ही त्रिभुज है क्या समरूप, इसलिए त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज किसके भाई, सी डी पी के। रीजन क्या, ए ए समरूपता, पहला पार्ट तो इतना होगा। दूसरे पार्ट में किसको सिद्ध करना आपने, ए बी डी और सी बी ई, ये ए बी डी और सी बी ई, तो यहाँ लिख देता हूँ त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में, ए बी डी यहाँ देखिए भी, ए बी डी ए बी डी, ए बी डी और सी बी ई, सी बी ई। अब ये ए बी डी, ए बी डी, सी बी ई, तो बी तो दोनों में कॉमन हो गया, बी दोनों में आ रहा है, पहला तो क्या लिख देंगे, कोण बी, कोण बी बराबर किसके, कोण बी के। रीजन क्या, इसका सांझा है ये तो दोनों में। अच्छा ए बी डी, ए बी डी, फिर इसका देखिए कोण 90 का है पाँच, और इसको मैं कह दूँ छः, यहाँ पे ए बी डी का पाँच और सी बी ई, सी बी ई का छः, 90 डिग्री का है कोण, पाँच बराबर किसके, कोण छः के, कितने का 90 डिग्री का, इसलिए ये भी समरूप होगी, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज किसके, सी बी ई के। रीजन यहाँ भी क्या हो जाएगा,
ए ए, क्योंकि दो से समरूप हो जाती, दो कोणों से ही त्रिभुज समरूप हो जाती है, ज्यादा कुछ सोचने जरूरत है ही नहीं। अब तीसरा पार्ट देखते, तीसरा यहां कर देता हूं, तीसरा भाग, तीसरे में देखिए ए ई पी और ए डी बी, ए ई पी ये और ए डी बी ये भी हो जाएगा। देखिए त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी में, ए ई पी ये छोटे वाली ए ई पी और ए डी बी, तो कोण ए तो कॉमन हो गया दोनों का, कोण ए बराबर कोण ए क्या हो जाएगा सांझा, और ए ई पी का कोण तीन और ए डी बी, ए डी बी का कोण पांच, कितने का 90 डिग्री दे रखा है, इसलिए त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज किसके, ए डी बी के। रीजन इसका भी वही क्या, ए ए समरूपता, ए ए समरूपता। बच गया आपका चौथा पार्ट, चौथे पार्ट में क्या है, पी डी सी और बी ई सी, चौथे पार्ट में त्रिभुज पी डी सी तथा त्रिभुज बी ई सी में, पी डी सी ढूंढो पहले तो, ये रही पी डी सी और बी ई सी, सी तो दोनों में आएगा, पहले तो ये लिखिए कौन सी बराबर किसके, कौन सी के क्या सांझा, दूसरा 90 का पाना ही है, पी डी सी, पी डी सी इसका 90 का कितने का कौन, चार का कौन, चार बराबर बी ई सी, बी ई सी में 90 का कहाँ पे है, छः पे बराबर किसके कौन, छः के, कितने का 90 का है, ये त्रिभुज भी क्या जाएंगे समरूप, इसलिए त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज किसके, बी सी के। रीजन यहाँ भी क्या जाएगा, ए ए समरूपता। तो ये आपका हो गया सातवां क्वेश्चन कंप्लीट, सातवां, यही आगे चार आंसर, पहला दूसरा तीसरा चौथा। फिगर में आप ये एंगल पूरे लिखने में जाएगी तो तीन चार पाँच से करोगे आप, क्वेश्चन काफ़ी सारे इजी हो जाएंगे, अगर जब परमेय जब आप कर रहे होते हो तो इनमें एंगल लिखने की बजाय अगर आप एंगल के नाम एक दो तीन चार पाँच कर लेंगे तो आपके परमेय जो है काफ़ी इजी हो जाएंगे जब करेंगे तो। आप ये आपका वह सातवां। आठवां क्वेश्चन देखिए, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, पहले तो समांतर चतुर्भुज बना लीजिए, ऊपर से लिखी ए बी सी डी, ये क्या आपकी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी, ए डी को बढ़ाना भी आगे, ए डी तो डी को यहां देता हूं, बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित बिंदु ई एक बिंदु है, इसके ऊपर ई कोई बिंदु है तथा बी ई भुजा सी डी को, अब बी ई ये मान लीजिए आपकी बी ई है, ये बिंदु ई बताते हैं, इसके ऊपर कोई बिंदु है और ये आपकी बी ई, बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती, यहाँ काटती है एफ पर प्रतिच्छेद करती, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई समरूप है किसके, सी एफ बी के, इसके समरूप, ये बात आपने बतानी है, तो दिया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर बिंदु ई इस प्रकार है कि बी ई को मिलाने पर
बी को मिलाने पर सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, ये दिया हुआ है। सिद्ध करना क्या है? सिद्ध करना त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज किसके? सी एफ बी। ये आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई सी एफ बी के समरूप है। बस दिया हुआ बड़ा है, आप इसको छोटा कर देना, कोई दिक्कत नहीं, आसान से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन इजी है, हल इसका, हल क्या है? त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ डी में, सी एफ डी में पहला काम, कोण ए और सी बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि आपकी समांतर चतुर्भुज दे रखे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो क्या समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? आपके समान होते हैं, ठीक भाई। कोण ये वाला, ये कोण, इसको मैं एक कह दूं और इसको कह दूं दो, ये दोनों देखिए आपकी क्या है, ये और ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं ए और बी सी, और ये आपकी तिर्यक रेखा, ये वाली तिर्यक रेखा है। तो कोण एक और दो क्या हो गए? एकांतर कोण हो गए, कोण एक बराबर कोण दो। क्यों? एकांतर कोण। तो दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए, त्रिभुज क्या होगी? समरूप होगी, बस खत्म, इतना ही तो है। इसलिए त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज किसके? सी एफ बी के। रीजन क्या? दो कोण बराबर है, क्या लिख देंगे? ए ए समरूपता। ये आपका होगा आठवां क्वेश्चन। बाकी के वीडियो लंबा हो गया है, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवाते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।